जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों साहित्य अकादमी संस्थान भर्ती 2024। जी हाँ साथियों, इसमें स्टेनोग्राफर जिसको हम आंसू लिपिक बोलते हैं उन पदों पर भर्ती निकली है। सहायक के पद हैं, जूनियर कलर्क के पद हैं, MTS के पद हैं और भी बहुत सारे पदों पर यह भर्ती निकली है। पूरी की पूरी जानकारी आपको देंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। ऑफलाइन फॉर्म है साथियों, ऑफलाइन फॉर्म आपको भर करके जमा करवाना पड़ेगा। वो फॉर्म कैसे भरना है वो भी हम आपको यहाँ भर करके ही दिखा देंगे स्क्रीन के ऊपर। वो फॉर्म कहाँ पर मिलेगा वो भी हम आपको उपलब्ध करवा देंगे, बिल्कुल फ्री में आपको फॉर्म देंगे, निशुल्क। ठीक है साहब, उस फॉर्म को भरना है, कहाँ पर भेजना है ये चीज़ें भी हम आपको बताएंगे। पद कितने हैं, योग्यता क्या है, एज क्या है, चयन कैसे होगा, सारी की सारी चीज़ें हम आपको क्लियर करने वाले हैं। कुछ पद ऐसे हैं जिनमें बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी और कुछ पद ऐसे हैं जिनमें परीक्षा भी ली जाएगी। साथियों पूरी जानकारी को समझेंगे एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इस भर्ती की पूरी जानकारी को समझ लेते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ही हम आपको यहाँ पर जो है स्क्रीन पर क्लियर करवा देंगे, सारे डाउट क्लियर करवा देंगे। कौन कौन इसमें आवेदन करें, कौन कौन नहीं करेंगे वो सारा पता चल जाएगा साहब। ठीक है जी, आ जाओ साहब, अब इसको फटाफट से एक बार क्लियर कर लेते हैं। राष्ट्रीय साहित्य संस्थान भर्ती 2024, सहायक के पद हैं, स्टेनोग्राफर है, जूनियर कलर्क है, MTS है और भी बहुत सारे पद हैं। एज, पद, योग्यता, फीस, फॉरम, चयन, वेतन, सारी चीज़ें हम आपको क्लियर करेंगे। ऑफलाइन फॉरम कैसे भरना है वो भी हम आपको भर करके दिखाएंगे। आवेदन इसके शुरू हो चुके हैं साथियों। ऑल इंडिया के महिला और पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं, अगर कोई भी फॉरम भरना चाहे तो भर सकता है अगर आपकी योग्यता है तो। ठीक है साहब, अब देखो ऑफलाइन डाक द्वारा आपको फॉरम को भेजना पड़ेगा भाई, इस बात का विशेष ध्यान रहे, फॉरम को डाक द्वारा भेजना है। और फॉरम की जो लास्ट डेट वगैरह है वो देख लीजिएगा आप, 17 अगस्त से फॉरम शुरू है और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी साथियों 16 सितंबर 2024 रहने वाली है। आप स्पीड पोस्ट करवा के इसको भेज सकते हैं, डाक द्वारा भेज सकते हैं, यानी कि 16 सितंबर से पहले पहले आपका फॉरम पहुँच जाना चाहिए। पूरी जानकारी देंगे, फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन, फोरम वगैरह सारी चीज़ें आपको कहाँ पर मिलेंगी, ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के ऊपर आपको फोरम भी मिल जाएगा, नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। ठीक है साहब, आ जाओ अब इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं और पूरी जानकारी को समझ लेते हैं एकदम अच्छी प्रकार से। ये तो रहा साथियों इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है साहब, ये लो जी 150 कर दिया हमने। ये तो रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो हम आपको अच्छी प्रकार से समझा देंगे। साहित्य अकादमी राष्ट्रीय साहित्य संस्थान है, रिक्रूटमेंट नोटिस। ठीक है साहब, ये है पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। और ये आपको कहाँ पर मिलेगा साथियों, ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम पर यह पूरा का पूरा नोटिफिकेशन डाल दिया गया है। सभी साथी टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएँ क्योंकि वहीं पर आपको प्रूफ मिलता है। और जो भी भर्तियों से संबंधित खबरें आती हैं, नोटिफिकेशन आती हैं, फोरम होते हैं, ऑफलाइन सारे के सारे नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीजें टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं, तो आप सभी साथी टेलीग्राम से जुड़ जाएं भाई। ठीक है साहब, ये देख लीजिएगा, पद आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। ठीक है जी, डिप्टी सेक्रेटरी का एक पद है और इसमें वेतन वगैरह 67,700 से 2,00,000 रुपए है। एज 18 से 50 है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है साथियों। ठीक है जी, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है और इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसमें साथियों क्या होगा, इसमें देखो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर आपको कंप्यूटर में नॉलेज है तो ही आप इसमें आवेदन करें भाई। अच्छा साहब, आगे की बात करते हैं, आगे के जो पद हैं उनको हम अच्छी प्रकार से क्लियर कर लेते हैं। चलता बहुत धीरे भाई, ध्यान रखना। नंबर एक पर, नंबर दो पर कौन सा पद है, नंबर दो पर है डिप्टी सेक्रेटरी, इसमें भी एक पद है साथियों और ये भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है साहब, PG डिप्लोमा कोई भी है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर वाली। ठीक है साहब, ये तो हो गई पूरी की पूरी बात इस प्रकार से। ठीक है, अब इसमें सलेक्शन वगैरह कैसे क्या होगा, तो देखो भाई इसका जो सलेक्शन है वो सलेक्शन कैसे होगा,
द सिलेक्शन विल बी बेस्ट ऑन द परफॉर्मेंस, यानी कि आपका इंटरव्यू भी लिया जा सकता है। और अगर इसमें पद ज़्यादा भरे जाते हैं, फॉर्म ज़्यादा लग जाते हैं, तो साथियों इसमें एग्जाम भी करवाया जा सकता है। और इसी प्रकार से तुम्हारी उस पद में भी ऐसे ही था। अरे आगे बढ़ भाई, डिप्टी सेक्रेटरी ये जो पद है इसमें भी साथियों इसी प्रकार से है भाई। ये नोटिफिकेशन ऐसा है कि ये चल ही नहीं पा रहा है सही ढंग से। इसमें भी यही है साथियों, देख लो आप, पहले वाले पद में भी सिलेक्शन ऐसे ही होगा, इसमें इंटरव्यू होगा। अगर फॉर्म ज़्यादा भराए जाते हैं तो फिर एग्ज़ाम हो सकता है, नहीं तो फिर इंटरव्यू से ही सिलेक्शन कर दिया जाएगा ये दोनों पदों में, डिप्टी वाले जो दोनों पद हैं इनमें। अच्छा, नंबर तीन पर, अरे भाई ये नोटिफिकेशन बहुत तंग करेगा। नंबर तीन पर कौन सा पद गया? ये रहा रीजनल सेक्रेटरी। अपने जो काम के पद हैं वो हम देखते हैं, असिस्टेंट एडिटर है, एडिटर में भी अगर कोई फॉर्म भरना चाहे तो भर सकता है। नंबर पाँच पर कौन सा आएगा भाई? छः सात, भाई ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर मिलेगा भाई, ये नोटिफिकेशन अच्छी प्रकार से समझ लेना। ये तो चलता बहुत धीरे है, पता नहीं कहाँ अटक रहा है। बोर्ड में कोई कमी नहीं है, बोर्ड में कोई कमी नहीं है, बोर्ड बिल्कुल हैक नहीं मारता है भैया, ब्रांडेड बोर्ड है मैक सब का, ठीक है ना। अभी जब मैं फॉरम आपको भर के दिखाऊंगा ना, उसमें ऐसे चलेगा टक टक, लेकिन इस फॉरम में ही नहीं चल पा रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। प्रोग्राम असिस्टेंट, ठीक है जी, प्रोग्राम असिस्टेंट का भी एक पद है जनरल का, 35,400 से 1,12,000 वेतन रहेगा। ग्रेजुएशन मांगा गया है इसमें भी साथियों, और गुड नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। और इसमें सिलेक्शन जो होगा, इसमें एग्जाम होगा भाई, इसमें क्या होगा, एग्जाम होगा, यहाँ पर दे रखा है देखो, रिटन टेस्ट, ठीक है साहब। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं सात के बाद में, नंबर आठ पर। नंबर आठ कहाँ गया, इतनी जल्दी गायब हो रहा है, बताओ। अरे भाई आ जा, थोड़ो वापस आ जा। सात, ये रहा आठ, एकदम से ही जाएगा ये तो। आठ, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड, आठ वाला फिर गायब हो गया। सात आ जाता है फिर आठ, यहाँ समझ ले तो भैया, आठ को यहाँ समझ लो तो भैया, क्या करें फिर, आठ को यहाँ समझ लो आप। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड, एक ही पद है साथियों, EWS का, 25,500 से 81,100 वेतन रहेगा। 18 से 30 साल इसमें एज मांगी गई है, 10+2 आपसे मांगा गया है किसी भी बोर्ड से। 80 शब्द प्रति मिनट स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग की, और शॉर्ट हैंड गुड स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग के साथियों, इंग्लिश हिंदी की। अब देखो इसमें पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है वो अच्छी प्रकार से यहाँ पर नहीं मेंशन किया जा रहा है, हम अच्छी प्रकार से समझेंगे भाई, ठीक है। कितना है, हाँ यहाँ देख लेते हैं। और साथियों इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है स्टेनोग्राफर के लिए। अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, आपने कहीं पर स्टेनोग्राफर का काम किया है, तो ही आप इसके लिए आवेदन करें, अन्यथा आप फॉर्म ना भरें भाई। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी भाई? सिलेक्शन प्रोसेस के लिए पार्ट नंबर एक इसमें तो होगा साथियों तुम्हारा एग्जाम, ठीक है जी, जीके वगैरह सारी चीज़ें आएंगी, हिंदी इंग्लिश जो भी है, क्वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी है। पार्ट टू में साथियों इंग्लिश है ना, कॉम्प्रीहेंसिव ये वगैरह, एडवर्टाइजमेंट, ये सारे के सारे 2 घंटे का ये होगा। इसमें 40% मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए और 35% SC ST OBC PWD के लिए, ठीक है साहब। और इसमें जो कैंडिडेट होगा वो क्वालिफाइड इन रिटन टेस्ट के बाद में, इसमें साथियों स्किल टेस्ट भी होने वाला है, यानी कि स्टेनोग्राफी भी आपको आनी चाहिए, टाइपिंग 40 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश में और 35 शब्द प्रति मिनट हिंदी में आनी चाहिए, वो स्किल टेस्ट भी आपको क्वालिफाई करना होगा, वो तो केवल और केवल पास मार्किंग है साथियों। स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग आपको आनी चाहिए, ये है इसमें पूरी की पूरी जानकारी। एक ही पद है भाई उसमें भी। अब नंबर नौ पर प्रूफ राइडर के पद हैं। प्रूफ राइडर के पद आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक ही पद ओबीसी का, 25,500 से 21,100 है। इसमें भी साथियों 18 से 30 साल की एज मांगी गई है, और इसमें SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी सभी को, और OBC को साथियों 3 साल की छूट दी जाएगी, सभी में एज की छूट दी जाएगी, ठीक है साहब। नंबर 10 पर है जूनियर क्लर्क, ये रहा, इसको अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। नंबर 10 पर है जूनियर क्लर्क, एक ही पद है जनरल का, 19,900 से 63,200 है वेतन,
18 से 30 है इसमें एज, 12वीं पास मांगी गई है और टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड प्रति मिनट हिंदी की आपको टाइपिंग आनी चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है साहब, नॉलेज ऑफ शॉर्ट हैंड का भी होना चाहिए, शॉर्ट हैंड इन इंग्लिश। और सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो कैसे रहेगा, इसमें भी साथियों पार्ट वन आपका एग्जाम होगा, जीके वगैरह ये सारी चीज़ें आएंगी, और पार्ट टू में साथियों इसमें भी तुम्हारा ये 40 नंबर के जो मार्क्स हैं इसमें क्वेश्चन आएंगे, इजी इंग्लिश हिंदी लेटर वगैरह ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर 2 घंटे का ये रहेगा, 2 पेपर होंगे इसमें, ठीक है साहब। अच्छा जी, अब आगे बात करते हैं इसमें टाइपिंग वगैरह की और ये सारी चीज़ें हैं, बस इसमें यही होगा भाई, ठीक है, तुम्हारा पार्ट एक पार्ट टू रिटन एग्जाम ही होगा और इसमें नहीं दे रखा कुछ भी। जूनियर कलर्क में देखो, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द टाइपिंग टेस्ट बेस्ड ऑन मार्क्स, इसमें पार्ट वन एंड पार्ट टू रिटन एग्जाम होगा साथियों, ठीक है साहब, और शॉर्टलिस्ट किए गए जो भी कैंडिडेट हैं उनसे फिर टाइपिंग करवाई जाएगी। अब ये है मल्टीटास्किंग वाला, यह है मल्टीटास्किंग वाला, 11 नंबर पर है, इसमें भी एक ही पद है, ओबीसी का दे रखा है, 18,000 से 56,900 वेतन है, 18 से 30 साल इसमें एज मांगी गई है और इसमें 10वीं पास अगर कैंडिडेट है कोई 10वीं पास तो वो भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। अगर कोई ऐसा है कि जिसने 8वीं पास है लेकिन आईटीआई वगैरह भी कर रखी है तो वो भी इसके लिए आवेदन कर पाएगा, यानी कि आईटीआई वाले भी फॉर्म भर सकते हैं और जो 10वीं पास हैं केवल, सब हम तो आईटीआई नहीं कर रखे हैं, केवल ही 10वीं पास हैं तो भी वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साहब, ठीक है जी। डी ग्रुप लेवल का आपको काम आना चाहिए साहब, ठीक है जी, मल्टीटास्किंग स्टाफ में। अच्छा जी, अब देखो नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, अगर किसी को साइकिल चलाने का नॉलेज है तो उसको प्रथम प्राथमिकता मिल जाएगी, और जो वर्चुअल लोकेशन यानी कोई लोकल आदमी है उसको भी प्रथम प्राथमिकता मिल जाएगी। नॉलेज ऑफ बेसिस कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है साहब, कंप्यूटर का भी ज्ञान है तो उसको भी थोड़ी प्रथम प्राथमिकता दे दी जाती है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा भाई इसमें एमटीएस में, तो एमटीएस में देखो भैया पार्ट वन इसमें आपका एग्ज़ाम होने वाला है और पार्ट टू इसमें भी साथियों एक एग्ज़ाम होने वाला है 2 घंटे का, ठीक है जी, और इसमें 40% मार्क्स ले आते हो जनरल वाले तो पास हो, और एस सी एस टी डब्ल्यू एस वाले 35% में पास हैं, लेकिन वो मेरिट लिस्ट अलग छटती है ना, वो अलग है, ठीक है साहब। अब बात करते हैं ऑफलाइन फॉर्म भेजना कहाँ है, ऑफलाइन जो फॉर्म है वो भी मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, भर के दिखाऊंगा, लेकिन फॉर्म को भेजना कहाँ पर है वो देखो आप, तो सबसे पहले ठीक है जी, जनरल की ये बातें हैं कैंडिडेट की, एप्लीकेशन फॉर्म गिविंग फुल डिटेल यानी पूरी जानकारी के साथ, सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यानी कि आपको सभी डॉक्यूमेंट्सों की फोटोकॉपी करवानी है और आपको पासपोर्ट साइज की फोटो भी लेनी है, सारी कॉपी सारी की सारी जो भी कॉपी है अलोंग विद कॉपीज सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, द यहाँ पर भेजना है साथियों, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर आपका पोस्ट का नाम आएगा एमटीएस, जैसे एमटीएस के लिए भरा है आपने, तो अब जो आपको फॉर्म भेजना है वो मैं यहाँ से टिक करता हूँ, ये रहा साथियों सेक्रेटरी साहित्य अकेडमी, फिर ये है, ये है फिरोज शाह रोड न्यू दिल्ली, ये है इसके पिन कोड नंबर, ठीक है साहब, और ये रविंद्रपुरा जो था वो थोड़ा उसमें कट गया है, बाकी फुल नोटिफिकेशन में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और अच्छी प्रकार से दिखाई भी देंगी, ठीक है साहब, नई दिल्ली पिन कोड नंबर ये लगा देना 11001, इस एड्रेस पर आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से भेजना है, और लास्ट डेट मैंने आपको बता रखी है सितंबर में है, उस तक आप आराम से अपने फॉर्म को पहुँचा सकते हैं साथियों, पूरे डॉक्यूमेंट्सों की फोटो कॉपी लगवानी है और फॉर्म को भरना है, फॉर्म में फोटो फाटो चिपकानी है और फिर लिफाफे में पैक करना है फॉर्म को, और लिफाफे में पैक करके साथियों इस एड्रेस के ऊपर आपको भेजना है सेक्रेटरी महोदय के पास में, ठीक है साहब, ये हो गई पूरी की पूरी जानकारी अपनी यहाँ पर कंप्लीट। अब हम बात करते हैं फॉर्म की, तो फॉर्म भी आपको मैं दिखा देता हूँ, फॉर्म कैसे क्या भरना है वो सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं, ये रहा साथियों आपका फॉर्म, ठीक है साहब, दिखाई दे रहा होगा आपको अच्छे से, इस फॉरम को आप देख लीजिएगा, रविंद्र भवन नंबर 35 फिरोज शाह मार्ग नई दिल्ली, ये लोकेशन है साथियों, इस लोकेशन पर आपको अपने फॉरम को भेजना है,
ठीक है ना, सचिव के पास में। इंग्लिश में ये रहा, एप्लीकेशन फॉरम यही है, ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलेगा, सभी साथी टेलीग्राम से जुड़ जाएं, वहीं पर आपको नोटिफिकेशन और फॉरम सारी चीज़ें उपलब्ध करवाई जाती हैं निःशुल्क एकदम, ठीक है साहब। अच्छा जी, ये जो अब इसमें लिखना कैसे है देखो फटाफट से आप इसको समझ लीजिएगा। यहाँ पर अपनी फोटो लिख दो, वो फोटो चिपका दो, पोस्ट एप्लीकेशन, पोस्ट यानी कि हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, दोनों फॉरम है यहाँ पर, जहाँ पर आप अपने पद का नाम लिख सकते हो, जैसे MTS है तो MTS। लोकेशन प्रिफरेंस, इसमें साथियों आप ड्यूटी कहाँ करना चाहते हो, तो ड्यूटी के लिए साथियों यहाँ पर देखो, एक तो दिल्ली भी ऑप्शन है, एक तुम्हारी मुंबई भी ऑप्शन है, ठीक है, और भी ऑप्शन है साथियों, तो आप दिल्ली मुंबई जहां भी आप लोकेशन लेना चाहते हैं ड्यूटी करने के लिए, वो लोकेशन आप यहां भर दें। जैसे आप दिल्ली भरना चाहते हैं तो आप दिल्ली भी भर सकते हैं, और कुछ भरना चाहें तो जैसे मुंबई भरना चाहें तो आप मुंबई भी भर सकते हैं, लेकिन एक ही भरना है, उसी लोकेशन पर आपको ड्यूटी दी जाएगी फिर, ठीक है। यहाँ पर अपना नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है, ठीक है साहब। अच्छा जी, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, दिन, मंथ, ईयर, सारी चीज़ें, एज यहाँ पर कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के हो गए हो, कैटेगरी जैसे OBC है तो OBC, नेशनलिटी जैसे इंडियन है तो हम इंडियन ही लिखेंगे, ठीक है साहब, इंडियन है तो इंडियन लिखेंगे, और यहाँ पर एड्रेस, अपने गांव का नाम, विलेज वगैरह सारी चीज़ें आपको मैंसन करनी है। और साहब इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं भाई, आपको अच्छे से दिखाई दे देगा फिर ये, ठीक है साहब। अच्छा, और यहाँ पर अपनी कैटेगरी वगैरह लिखी दोगे, यहाँ पर एड्रेस, विलेज का नाम, गांव का नाम, तहसील का नाम, जिले का नाम, पिन कोड नंबर, यहाँ पर अपना राज्य का नाम जो भी है, ठीक है साहब, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। फिर आगे आ जाओ साहब, क्वालिफिकेशन वगैरह में यहाँ पर देख लेते हैं हम, क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम पास यानी कौन सी की बात कर रहे हैं, 10वीं, इधर ये 12वीं, तो साहब इसमें यूनिवर्सिटी का नाम, जैसे भाई RBSC जो भी है, या फिर तुम्हारी कोई सी भी है CBSE, ठीक है, जो भी है, कौन से सन में आपने पास की, 2014 में 10वीं की, 2016 में 12वीं की, सब्जेक्ट क्या क्या थे, हिंदी इंग्लिश जो भी है, परसेंटेज कितनी बढ़ी, तो साहब 10वीं में 60 बनी, 12वीं में 75 बनी, इस प्रकार से आप पूरी की पूरी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, स्नातक, स्नातकोत्तर जो भी आपने कर रखा है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं साहब। अच्छा जी, आगे देखो, आगे देख लेते हैं इसमें, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है तो वो भी आप लिखेंगे, नॉलेज ऑफ टाइपिंग, शॉर्ट हैंड लैंग्वेज कौन कौन सी आती है, हिंदी आती है तो हिंदी चुन लो, टाइपिंग वर्ड प्रति मिनट कितनी टाइपिंग है आपकी, 35 वर्ड, 30 वर्ड जो भी है वो आप यहाँ पर मैंशन करेंगे, शॉर्ट हैंड कितनी है, 80 शब्द है, 100 शब्द है, जो भी आपको यहाँ पर लिखना है, हिंदी में भी है नोटिफिकेशन, हिंदी में भी आप काम में ले सकते हैं। कंप्यूटर डिग्री, अगर कोई डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट आपके पास है तो कंप्यूटर वाला भी आप यहां पर लिख सकते हैं। एग्जाम पास यानी कि कंप्यूटर का कौन सा है, तो जैसे मान लो RSCIT है, उसका नाम क्या है, वर्धमान, ठीक है, और क्या नाम बोलते हैं उसको, वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय कोटा, इस प्रकार से, ठीक है साहब, तो ये अपना लिख सकते हो आप, वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय कोटा जो भी है। यर्स कौन से में पास किया आपने, तो 2020 में किया। ड्यूरेशन वगैरह, सब्जेक्ट वगैरह, ग्रेड वगैरह, परसेंटेज कितनी बनी, 90% बनी, इस प्रकार से आप यहां पर सब्जेक्ट लिख सकते हो, ये सारी की सारी चीज़ें यहां पर आपको मेंशन हो जाएंगी। और हिंदी वाला देख सकते हैं आप, हिंदी वाला भी यहां पर आपको दिया गया है। ये रहा साथियों हिंदी वाला नोटिफिकेशन, जो आप अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। स्थान प्राथमिकता यानी कि दिल्ली करना चाहो तो आप दिल्ली कर दो, मुंबई करना चाहो मुंबई कर दो, फोटो चिपका दो, पिता पति का नाम जो भी है, आयु श्रेणी, पत्राचार, इस पत्राचार में खुद का एड्रेस आता है भाई, गांव का नाम और ये सारी चीज़ें, ठीक है ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है साहब। अब देखो जी, यहाँ पर देखो कंप्यूटर वगैरह ये सारी चीज़ें, और अगर किसी को अनुभव वगैरह है तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। यानी कि साथियों उत्तीर्ण परीक्षा कौन सी है कंप्यूटर की, RSCIT जो भी है, विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण वर्ष, अवधि यानी कि एक साल का था या 6 महीने का था या जो भी था वो, विषय कौन कौन से थे, ग्रेड क्या है, कार्य अनुभव अगर आपको है, जैसे मान लो एक्सपीरियंस है आपको, तो वहाँ पर भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर आप आराम से लिख सकते हो कहाँ पर काम किया, किस पद पर काम किया, कब से
कब तक किया, कितना वेतन मिलता था, क्या क्या काम जानते हो, क्या क्या काम आप करते थे, ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पर आराम से लिख सकते हो। और ये पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा साथियों। ठीक है जी, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियाँ निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आराम से और सरल भाषा में आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।